जी, मेरा नाम मोहम्मद कासिम रज़ा, मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी का नायब इमाम हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कल जो हमारा मुल्क 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, उसके मुनासिबत से जो प्रोग्राम हम कर रहे हैं, हमारे मदरसे के अंदर भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तो उसी के मुनासिबत से आज हम यहाँ झंडे लेने यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। तो मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि कल का जो दिन है हमारे लिए बड़ी आन बान शान का दिन है, क्योंकि इसी दिन को हमने जो है अंग्रेज़ों से अपने मुल्क को छुड़ाया था, आज़ाद करवाया था। तो उसके लिए उस आज़ादी और ख़ुशी के जश्न में हर आदमी को अपने घर पर दरवाजे पर चराग करना चाहिए, और उस झंडे जो है अपने मुल्क के झंडे अपने घरों पर लहराने चाहिए। यही हमारी इज्जत का मकाम है। नहीं, हर साल की तरह इस साल भी बहुत अच्छा काम है। 15 अगस्त पे इस बार वैरायटी भी बहुत आई थी और सस्ती भी बहुत आई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने टैक्स भी रिबेट कर दिया इस बार माल पे बहुत हमें, और इस बार परचेजिंग हमारी अच्छी हुई है और सेल भी बहुत अच्छी चल रही है। यानी कि माल हमें आते थे ही इस बार 2 दिन पहले ही खत्म हो गया, जितना स्टॉक हमारे पास था 2 दिन पहले ही स्टॉक सब खत्म हो गया। स्कूलों का बहुत ज़्यादा काम था इस बार, आर्मी यूनिफॉर्म्स का बहुत काम था, लेकिन माल जो है वो 2 दिन पहले ही सब खत्म हो गया। इस बार हम बिल्कुल फ्री बैठे हुए हैं, अपना कल 15 अगस्त आराम से मनाएंगे। कस्बा रहते हैं सर, हम ये तिरंगा लेने आए सर दुकान पर, हमारे बच्चे भी साथ में आए सर, ये हम स्कूल में मनाएंगे ये दिन, और बड़ा खुशी का दिन है और अच्छा दिन है ये। हम सर हर साल मनाते हैं पहिए 15 अगस्त वाला, और हम बॉर्डर लाइन के ऊपर रहते हैं, हम झंडा लगाएंगे और खुशी मना जश्न मनाएंगे अच्छे ढंग से। और क्या बोल रहे हैं, बहुत डिमांड है इस बार, पहले से बहुत ज़्यादा काम निकल रहा है इस बार, और हमें माल जो बहुत लाया था अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी माल शॉर्टेज हो रहा है, माल नहीं मिल रहा हमें, हमारे पास थोड़ा स्टॉक बचा है, क्योंकि हर घर तिरंगा लग रहा है इस टाइम, हर घर तिरंगा, हर गाड़ी पर तिरंगा लग रहा है, लोग स्कूलों में ले जा रहे हैं, लोग हर जगह ले जा रहे हैं, ऑफिसेस में ले जा रहे हैं, और लोग हर जगह तिरंगा लहरा रहे हैं इस बार।